बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं जी। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है MTH404। इसका हम क्वेज़ नंबर 1 जो है वो सॉल्व करने जा रहे हैं। आपको इस एक वीडियो में 3 क्वेज़ जो है वो हम करके दिखाएंगे। तो स्टूडेंट्स, क्वेज़ में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। इसके अलावा स्टूडेंट्स, आपके लिए ऑफ़र है कि ये 5 मार्क्स का क्वेज़ है। बहुत ही कम प्राइस पे आपको इस क्वेज़ का सलूशन हम दे सकते हैं, क्वेज़ सॉल्व करके देंगे जिसमें आपके फुल मार्क्स आएंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आप ये ऑफ़र लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वहाँ से हमारे साथ रब्ता करें और इंशाल्लाह आपके फुल मार्क्स आएंगे बहुत ही कम प्राइस पर। तो बढ़ते हैं आज के क्वेज़ के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़ अ फोर्स एफ एक्टिंग एक्ट एट टाइम टी ऑन अ पार्टिकल ऑफ अ मास एम मूविंग विद वेलोसिटी वी, देन द इक्वेशन ऑफ अ मोशन अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ। तो इसमें हमने ये देखा कि हमने अपने हैंड आउट में अगर जाकर देखें, ज़्यादा डिटेल तो नहीं बताऊँगा, यहाँ पे एफ इज इक्वल टू एम ए होता है, तो वहाँ पे हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ ए जो है वो डेरिवेटिव ऑफ वी होता है, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे पुट करेंगे एफ इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ वी मल्टीप्लाई एम, ठीक है। इसके बाद दूसरा जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल। फ्रीक्वेंसी किसका रेसिप्रोकल है? टाइम पीरियड का, ठीक है। ये आप नाइन्थ टेंथ में भी पढ़ कर आए हैं। इसके बाद तीसरा है अ बॉडी ऑफ अ मास 5 ग्राम is executing simple harmonic motion about a point O with amplitude 100 cm. If the maximum velocity is 100 cm, its velocity will be 50 cm at a distance. तो वो कह रहे हैं कि अगर इसकी velocity 50 हो जाए तो इसका distance कितना होगा। तो ये भी आपके जो 13-14 lecture है उसमें दिया हुआ है formula, उस formula को use करके मैंने solve किया है। तो 50 square root 3 हमारे पास आंसर आया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है जी, इफ अ पार्टिकल ऑफ अ मास 4 kg इज इन मोशन अंडर द एक्शन ऑफ अ वेरिएबल फोर्स एफ इज मूविंग अंडर द वेलोसिटी 3t2। तो इसका हमने ये बताना है कि जब टाइम 2 सेकंड हो तो उसमें फोर्स कितनी होगी। तो ये पहले देखें कि एफ इज इक्वल टू एम ए होता है और ए इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ वी होता है। तो पहले हम वेलोसिटी का डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा 6t। अब t की जगह पे 2 पुट करेंगे तो वो आ जाएगा 6 × 2 = 12। अब a की वैल्यू 12 आई है और m की वैल्यू आपके पास 4 है, तो 4 × 12 क्या होगा? 48, ठीक है। इसके बाद इस क्वेज का लास्ट क्वेश्चन, इन अ कंजर्वेटिव फील्ड ऑफ अ फोर्स द टोटल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल, जो टोटल एनर्जी है वो क्या रहती है एक कंजर्वेटिव फील्ड में? रिमेन कांस्टेंट रहती है। दूसरे क्वेज की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेज जो है 5 कंप्लीट हो गए, सेकंड क्वेज में जाते हैं। अ पार्टिकल ऑफ अ मास 3 kg इज मूविंग विद वेलोसिटी, ये भी हमें मास भी दिया हुआ है, वेलोसिटी भी दी हुई है, तो इसका हमने फोर्स निकालनी है। तो इसका हम डेरिवेटिव लेंगे तो ये देखें इसके साथ टी नहीं है तो ये 0 हो जाएगा और ये हमारे पास ओनली ऑन क्या रह जाएगा? 4 रह जाएगा, 4i मल्टीप्लाई 3 क्या बन जाएगा? 4 × 3 = 12i, ठीक है। तो ये हमारे पास फोर्स आ गई। नेक्स्ट हमारे पास है, एट अ मीन पोजीशन ऑफ अ पेंडुलम द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पेंडुलम इज, तो ये मीन पोजीशन पे चूँकि उसका जो है वो डिस्प्लेसमेंट वो मिनिमम होता है तो इसलिए उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी मिनिमम होगी, ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का डिपेंड जो है वो डिस्प्लेसमेंट पे होता है। इसके बाद इफ़ अ पार्टिकल ऑफ अ मास 4 kg इज मूविंग विद स्पीड 3 m/s², ये स्पीड इन्होंने लिखा हुआ है लेकिन साथ में यूनिट रॉन्ग लिखा हुआ है, देन द काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, हमने काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है 1/2 mv², तो v का स्केयर 9 आ जाएगा, 9 × 4 = 36, इन दोनों को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 18 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास, फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी कैन चेंज इट्स, फोर्स जो है वो चेंज क्या करती है? डायरेक्शन चेंज करती है, डायरेक्शन चेंज करती है तो उसकी स्पीड चेंज होती है, स्पीड चेंज होती है तो काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होती है, तो इसलिए ये हम ऑल कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल, ये ऑलरेडी भी आ चुका है, टाइम पीरियड होता है। इसके बाद टाइम टेकन बाय
द पार्टिकल टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, वो टाइम जिसमें वो एक सर्कल कंप्लीट करते हैं उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। यही दोबारा रिपीट हो रहा है कि टाइम टेकन बाय अ पार्टिकल टू कंप्लीट वन आइसोलेशन, तो ये भी क्या है, टाइम पीरियड ही है। नेक्स्ट हमारे पास है जी, इफ़ अ पार्टिकल इज़ मूविंग अलॉन्ग अ सर्कल, अगर वो सर्कल में मूव करता है और उसका सेंटर जो है वो ओ है, तो उसका ट्रांसफर कंपोनेंट जो है उसके लिए कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। तो ये आप अपने हैंड आउट में जाकर देख सकते हैं, आपको ये जो फार्मूला है एफ थीटा इज इक्वल टू एम ए थीटा डबल डेरिवेटिव, ठीक है, तो ये नज़र आएगा। इसके बाद हमारे पास है जी, ड्यूरिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज़ एट मीन पोजीशन। काइनेटिक एनर्जी मीन पोजीशन पे मैक्सिमम होती है क्योंकि वहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, ठीक है। इसके बाद इफ़ अ फोर्स ऑफ अ मैग्नीट्यूड 20 न्यूटन, अगर फोर्स का मैग्नीट्यूड 20 न्यूटन है और डिस्टेंस उसका 3 मीटर है, तो आपने वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस, तो 20 मल्टीप्लाई 3 क्या आएगा, 60 आएगा, ठीक है। तो इसी के साथ हमारे तीन क्वेश्चन जो हैं वो एक वीडियो में कंप्लीट हुए। स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके कुछ कंसेप्ट भी क्लियर हो गए होंगे। अगर आप अपना क्वेज खुद करना चाहते हैं तो ये वीडियो पूरी जो है वो ध्यान से सुने, ठीक है, तो आपका क्वेज जो है वो आसानी से हो जाएगा। अगर आप खुद अपना क्वेज नहीं कर सकते तो आप हमसे रابطہ करें, हम आपको बहुत ही कम प्राइस पे ये क्वेज जो है वो करके देंगे, इंशाल्लाह फुल मार्क्स आएंगे। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट किसी और वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।